चैनल का हम एक्सेस ही नहीं ले पा रहे हैं अपना, हमारा चैनल जो है ना हैक हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली बहुत ज़्यादा खोजने के बाद जो है एक यही वो पन्ना है। सोचे नहीं थे कभी कि हमसे इतना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा या फिर हम कर लेंगे। राजू जी, चैनल पर वीडियो कहाँ नहीं आ रहा है? पब्लिक आपका कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहे? हम भी तो परेशान हैं, हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा, चैनल का हम एक्सेस ही नहीं ले पा रहे हैं अपना। वही तो परेशान हैं हम बहुत दिन से, एक सप्ताह हो गया हमारा, हम कुछ खोज रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ए यार क्या करे समझ में नहीं यार। देखते हैं ये पन्ना पलट के शायद इधर में हो लिखा हुआ। सो दोस्तों सॉरी, आप लोग से माफ़ी चाहते हैं पहले हम, क्योंकि हम अपना चैनल का जो है ना एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। यूट्यूब से एक्सेस ले पा रहे हैं लेकिन जो क्रोम से होता है ना वो एक्सेस हम ले नहीं पा रहे हैं। पता नहीं अचानक कैसे हो गया, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्रोम से जैसे हम अपना चैनल को लॉगिन करने के लिए जा रहे तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड मांग रहा है जीमेल का। हमको लग रहा कि एक बार तो हमें लगा कि हमारा चैनल जो है ना हैक हो चुका है, तो फिर देखे कि नहीं हैक तो नहीं हुआ, हैक होने से जो है ना कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी अपना चैनल ही नहीं दिखेगा, अपना डिवाइस से गायब हो जाएगा। लेकिन चैनल तो दिख रहा है, लेकिन जब वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे तो वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पासवर्ड खोज रहा है। तो चलिए देखते हैं शायद इसमें हो, यहाँ पर एक साइकिल कई बनाए हुए हैं, तो इसमें भी नहीं है, किसमें होगा समझ में नहीं आ रहा है। सो दोस्तों हम क्या किए थे ना, जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि नए नए यूट्यूबर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जीमेल बना लेते हैं और पासवर्ड भी बना लेते हैं, चैनल भी बन उनका बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब वो लॉगिन करने के लिए जाते हैं क्रोम से वीडियो अपलोड करने के लिए या फिर यूट्यूब से, तो कुछ ऐसा होता है कि वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करने के लिए जाते हैं, अगर आप YouTube से वीडियो अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन जब आप Chrome से करने के लिए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पहले Gmail आपको लॉगिन करना पड़ता है पासवर्ड दे करके, तो वो क्या होता है कि कभी कभी ऑटोमेटिकली यानी जो है Gmail से पासवर्ड हट जाता है, यानी लॉग आउट हो जाता है, लॉगिन फिर होता नहीं, फिर जब तक आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तब तक आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो मोनेटाइज चैनल में ज़रूरी है क्रोम से ही वीडियो अपलोड होता है, और बिना मोनेटाइज जो चैनल होता है, जिस जो जो चैनल मोनेटाइज नहीं है वो चैनल जो है आपका यूट्यूब से ही वीडियो अपलोड हो जाता है। लेकिन क्रोम से वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि क्वालिटी वगैरह कम नहीं होता है, अच्छा रहता है, और मोनेटाइज जो चैनल होता है क्रोम से वीडियो अपलोड करते हैं तो मोनेटाइज पॉलिसी, कॉपीराइट पॉलिसी, यानी जो भी पॉलिसी है तो सारा वहाँ पर डिटेल्स में आ जाता है वीडियो अपलोड करते के समय में ही। तो क्रोम से हम वीडियो जैसे ही अपलोड करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड जो कि हम भूल चुके हैं, ये हमारा दिमाग में नहीं आ रहा था कि हम पासवर्ड भूले तो भूले कैसे। और बहुत दिन पहले हमें लगा था कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाएंगे चैनल का तो फिर हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो हम क्या किए थे कि एक कॉपी में लिख लिए थे और वो कॉपी हमारा मिल नहीं रहा है, तो बहुत ही प्रयास करने के बाद जो है ये सब कॉपी हमें मिला है। तो ये वो नहीं है, बहुत सारा इस सब में क्या करते हैं कि कभी कुछ हमें अगर वीडियो बनाने का रहता है तो वो सब नोट करके रख लेते हैं कि हाँ ये वीडियो बनाना है, ये वीडियो बनाना है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो वगैरह भी कर लेते हैं। तो पासवर्ड हम किस कॉपी में रखे हैं वो जो है कॉपी ही हमारा मिल नहीं रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और सेव भी हमारा मोबाइल में नहीं है। तो क्या कि एक बार क्या हुआ था कि हम अपना डाटा को पूरा क्लियर कर दिए थे मोबाइल से, उसी टाइम मेरा प्रॉब्लम हुआ, इन मोबाइल का डाटा हमें क्लियर ही नहीं करना था और हमें समझ में नहीं आया कुछ, यानी प्रॉब्लम का कारण से हम डाटा पूरा ही कर दिए, डिलीट कर दिए, और डाटा डिलीट करने के कारण से हमारे साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, चैनल हमारा बचा हुआ है, चैनल में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हमें एक पल के लिए लगा था कि हमारा चैनल हैक हो चुका है। तो आप लोग ये गलती कभी भी ना करें अगर आप लोग करते हैं तो। सो दोस्तों फाइनली बहुत ज़्यादा खोजने के बाद जो है एक और कॉपी मिला है, तो शायद हाँ ये वाला है लग रहा, देखते हैं इसमें, हाँ इसमें मिल गया। हाँ सो दोस्तों देखिए यही वो पन्ना है जो कि कॉपी एक बार फट गया था तो हम रख दिए थे इस तरह से, और इसको फिर दोबारा हम लिखे नहीं थे कोई दूसरा कॉपी पे। तो फाइनली दोस्तों मिल गया, अब जान में जान आया, अब वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप लोग नए क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं, और अगर आप अपना चैनल बनाए हैं उस पर काम कर रहे हैं,
तो किसी भी जगह में जहां पर आपको लगता है कि सेफ रहेगा। और दोस्तों जो हम पासवर्ड बनाए थे अपना चैनल का, बहुत ही हार्ड पासवर्ड बनाए थे और इसमें रिकवरी जीमेल भी दिए थे, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है रिकवरी जीमेल के साथ में, ये देना जरूरी है, नहीं तो चैनल बहुत ही ज़्यादा हैक हो रहा है अभी के हिसाब से। तो पहले का मुकाबला भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा चैनल हैक होता था इसके लिए, तो अभी भी होता है, लेकिन आपको जो है रिकवरी जीमेल दे करके दोनों का पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा हार्ड रखना है और पासवर्ड को कहीं बढ़िया जगह पे सेव करके रखना है, जीमेल और जीमेल का पासवर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों अपना चैनल के लिए। इसी से आप अपना चैनल को जो है एक्सेस कर पाएंगे और अपना चैनल का जो भी एक्टिविटी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है हम पासवर्ड लीक करके रखे थे और क्या हुआ था कि एक बार जो है पन्ना फट गया था और जल्दबाजी में कहीं पर हमें निकलना था, लेकिन हम इतना बड़ा मिस्टेक करेंगे, हम सोचे नहीं थे कभी कि हमसे इतना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा या फिर हम कर लेंगे। तो चलिए फाइनली मिल तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को हम अवेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप नए क्रिएटर हैं तो जीमेल पासवर्ड, रिकवरी जीमेल का भी पासवर्ड हार्ड होना चाहिए और चैनल का जो पासवर्ड रहेगा, जो जीमेल का पासवर्ड रहेगा वो भी हार्ड होना चाहिए और कहीं अच्छा जगह पर सेव करके रखें। मतलब इस तरह का कोई भी एक कॉपी आपको ले लेना है और ये कॉपी को आपको संभाल के रखना है, जो भी आपका जीमेल रहेगा चैनल का रिकवरी जीमेल रहेगा उसे अच्छे से लिख लेना है और सिक्योर करके रखना है, और ये कॉपी किसी का हाथ में भी लगना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो आपका चैनल का एक्सेस ले लेगा, क्योंकि आपका रिकवरी जीमेल और चैनल का जीमेल दोनों ही एक साथ में रहेगा। जब भी हम लोग अपना चैनल का जो है जब भी हम लोग अपना चैनल को लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो एक कोड जाता है पासवर्ड के द्वारा, ठीक है, वो कोड कहाँ पर जाता है, रिकवरी जीमेल में जाता है, तो वो रिकवरी जीमेल से देखना पड़ता है कि हाँ ये कोड है, तो वो कोड वहाँ पर इन करना पड़ता है, तब जाकर के आपका चैनल लॉगिन होता है, वरना नहीं होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए दोनों ही जीमेल को जब आप अपना डायरी में सेव करके रखे हैं, कॉपी में लिख करके रखे हैं, तो उसको सिक्योर रखिएगा, किसी का हाथ में ना लगे, कोई ऐसा बंदा हो या फिर कहीं गुम ना हो जाए, जैसे कि अभी गुम हो गया था तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फाइनली मिल गया और आप लोग को भी हम अवेयर कर दिए हैं। तो नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो था दोस्तों, तो अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो हमारे ये चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। हमारा ये चैनल कम से कम खोला हुआ दोस्तों 7 साल हो चुका है, यानी पहले हम काम नहीं कर रहे थे तो 3 साल से कंटिन्यू हम रिसेंटली काम कर रहे हैं। इस चैनल पे हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, बस इतना ही हम कहेंगे। छोटे जो क्रिएटर होते हैं जो उनको जानकारी नहीं होता है यूट्यूब पर, यानी पहले का जो अपडेट था दोस्तों और अभी का जो अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा एल्गोरिदम में चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन पहले का वीडियो आप देखेंगे तब जाकर के आप अभी काम कर पाएंगे सही से। पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर सही से अपने चैनल पर काम नहीं कर पाइएगा, तो ये चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, हमारे मेन चैनल पर आपसे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह वीडियो आपका काम आया उस तरह से अभी का भी आएगा।